मनन तमन्ना को घर छोड़ने आया तो वहाँ उस मोहल्ले की औरतों की नजर उस पर पड़ गई। सब उसके चरित्र के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करने लगे। मनन तमन्ना के घर पहुँचा तो सही, लेकिन बिना चाय वाय पिए ही वहाँ से लौट आया। लेकिन इतनी ही देर में माथुर साहब ने मनन में ना जाने क्या क्या देखा कि तमन्ना से उसकी शादी का सोचने लगे। इधर रूही गाड़ी लेकर अपने घर से किसी काम को लेकर निकली तो अचानक उसके आगे के दोनों टायर्स पंचर हो गए। उसने उतर के देखा तो टायर्स में कील चुभे हुए थे और पास ही में एक लड़का कील लिए छुपा बैठा हुआ था। रूही सोच ही रही थी कि आगे उसे क्या करना है कि इतने में वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर आ गया जिसे तारा ने हायर किया था। रूही को बात समझ आ गई थी। उसे इतना तो पता चल गया था कि ये जो चीज हुई है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि साजिश है। वो आदमी गाड़ी से उतरा और रूही की तरफ बढ़ने लगा। रूही ने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम और मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो बदमाश बिना रूही की बात पर कोई भी ध्यान दिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रही हूँ, वहीं खड़ी रहो। लेकिन वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। रूही ने भी दिमाग लगाया, चिराग का नंबर स्पीड डायल पर ही उसे कॉल करके फोन स्पीकर पर डाल देती हूँ ताकि वो ये सब सुन पाए। फोन रूही के हाथ में ही था। उसने बिना उस बदमाश का ध्यान भटकाए नीचे ही नीचे हाथ में अंदाजा लगाकर फोन अनलॉक करने लगी। किस्मत से फोन अनलॉक हो गया। बदमाश उसकी तरफ बढ़ता हुआ अब बहुत करीब आ चुका था। रूही को अब बस स्पीड डायल नंबर लगाना था ताकि चिराग को कॉल लग जाए। अंदाजे से रूही की उंगली उसी नंबर पर पड़ी। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि नंबर कनेक्ट होता वो लड़का जो पीछे की तरफ कील लेकर बैठा था उसने रूही के हाथ से फोन छीनकर कॉल काट दिया। अब रूही परेशान सी दिखने लगी। उसके माथे पे ठंडे पसीने छूटने लगे थे। उसने हकलाते हुए कहा, देखो मैं बता रही हूँ तुम सबको, बहुत बहुत गलत कर रहे हो तुम सब। इससे पहले कि पछताना पड़े छोड़ दो मुझे, तुम जानते नहीं मेरे पति कौन है। वो बदमाश अब वो बिल्कुल रूही के सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसने रूही का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो है तेरा पति उड़ा डालेगा, कहाँ का 30 मार खान है तेरा पति, बोलना क्या करेगा, टीचर से कंप्लेन करेगा ना हा? ये बोलते ही बोलते उसने रूही को एक जोर का चाटा मारा। रूही बिल्कुल अब सहम चुकी थी। बदमाश ने आगे कहा, बोलना, बोलती क्यों नहीं, अभी तो बहुत जुबान चल रही थी, अब क्या हुआ। रूही चुप रही। बदमाश ने एकदम से रूही के बाल अपनी मुट्ठी में दबोच और खींच कर बोला, बहुत शौक है अकेले गाड़ी में घूमने का, चलो जो भी है सब निकाल चल चल। रूही डरते हुए ही सही लेकिन बोल ही दिया, तुम यहाँ मेरा सामान लूटने आए हो। बदमाश ने रूही को छूते हुए कहा, जाने मन तू कहे तो तेरी इज्जत भी लूट लूं, सामान क्या चीज है, दूर हट जाओ मुझसे, हटो। और मैं जानती हूँ कि तुम कोई चोर उचक्के नहीं हो, सच सच बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। बदमाश ने रूही की गर्दन पकड़ते हुए बोला, तेरी माँ ने मुझे भेजा है यार, अब खुश, चल अब जो भी है निकाल फटाफट वरना तेरी हड्डी पसली सब एक कर दूंगा, समझे। रूही ने तुरंत गले की चेन निकाल कर उसे पकड़ा दिया। हाथों में दो दो अंगूठियां थी, वो भी जैसे तैसे खींच खाच कर निकाल दी। बदमाश ने सीटी बजाकर अंदर गाड़ी की तरफ इशारा किया और वो दूसरा लड़का तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ गया और सामान ढूंढना शुरू कर दिया। उसने डैशबोर्ड से लेकर सीट वीट सब चेक करी लेकिन कुछ और मिला नहीं। भाई कुछ नहीं है, ये बोलकर वो गाड़ी से निकल गया। रूही ने कहा, हो गया ना तुम्हारा काम, ले लिया ना तुमने सब। रूही ने छटपटाते हुए कहा, छोड़ो जाने दो, छोड़ दो मुझे। तभी रूही अचानक से साइड में देख कर बोली, पुलिस। दोनों बदमाशों ने डर के मारे वहीं देखा। इतने में रूही ने नदी फुर्ती और हिम्मत दिखाते हुए उनसे अपना हाथ छुड़ाया और फटाक से गाड़ी में बैठकर दरवाजा लॉक करने ही वाली थी तभी उस बदमाश ने झटके से तानी रिवॉल्वर गाड़ी के दरवाजे के बीच में फंसा दी। गेट बंद नहीं हो पाया। रूही के तमाम जोर लगाने के बाद भी दरवाजा बंद नहीं हुआ। बस फिर क्या था, उस बदमाश का पारा हाई हो गया और उसने घसीट कर रूही को गाड़ी के बाहर लिया। रूही दर्द से चिल्ला रही थी लेकिन बदमाश क्योंकि बिदक गया था इसीलिए उसने रूही की नहीं सुनी और बाकी वहां से उस मौजूदा जगह पर कोई था भी नहीं कि कोई भी रूही की मदद को आ सके। उस बदमाश ने रूही को जबरदस्ती वहीं रास्ते पर लेटा दिया। रूही ने उठने की कोशिश की लेकिन बदमाश ने अपने मोटे तकड़े पैर से उसके हाथ कस के नीचे जमीन पर गड़ा दिए। दर्द बढ़ता जा रहा था। बदमाश ने कहा, लगता है छटपटाने की इसे बहुत पुरानी आदत है,
सामने मौत खड़ी है, लेकिन फिर भी हिम्मत देखो इस लड़की की। बदमाश ने लड़के से कहा, जा गाड़ी से रस्सी लेकर आ, आज इसकी सारी हड़बड़ी निकालता हूँ। लड़का गया और भाग कर पीछे गाड़ी की डिक्की से रस्सी निकाल कर ले आया। रूही की घबराहट बढ़ने लगी। उसने कहा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। बदमाश ने रूही का पैर बांधते हुए कहा, ये पहले सोचना चाहिए था, समझी? तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मेरी बारी। ये बोलकर उसने रूही के दोनों पैर हाथ बांध दिए। रूही वहाँ चिल्ला रही थी, लेकिन एक भी इंसान वहाँ मौजूद नहीं था। बदमाश ने जोर से अपने पैर से रूही के घुटने पर मारा। रूही दर्द से एकदम कर्रा गई, लेकिन बदमाश तब भी रुका नहीं। उसने फिर से रूही के दूसरे पैर पर जोर की एक और लात मारी। रूही का दर्द अब कई गुना बढ़ चुका था, इतना कि उसके मुंह से अब आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो छलक कर रो पड़ी। बदमाश रूही की तरफ झुका और बोला, देख तुझे ऐसे दर्द में देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करे, गंदा है पर धंधा है, जो जरूरी लगे वो करना पड़ता है। तो जैसी खूबसूरत लड़की को आराम से घर बैठना चाहिए, अपनी खूबसूरती का और ध्यान रखना चाहिए, लेकिन तू तो बस बेमतलब इधर उधर भटकती रहती है, ऐसे मत किया करो, है ना? बदमाश की नजर बार बार रूही के सीने की तरफ ही बढ़ रही थी। वो रूही की खूबसूरती झेल नहीं पा रहा था। उसका मन डगमगा गया। वो बातों ही बातों में रूही की गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। सच, आज से पहले मुझे अपने काम से पहले कभी इतनी नफरत नहीं हुई। जिस बदन को प्यार करना था, आज मुझे उसे कुचलना पड़ रहा है। थू थू है मुझ पर, कसम से। वो धीरे धीरे रूही को लगातार छूता ही जा रहा था। रूही खुद को इधर उधर बचाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन घुटने पर मार की वजह से वो खुद पहले ही इतने दर्द में थी कि उसकी आधी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। उस बदमाश की नजर अब रूही के होंठों पर थी। उसने धीरे से रूही के होंठों को छुआ, लेकिन तभी रूही ने कसकर उसके हाथ को दांत से काटा। बदमाश की भी चीख निकल गई। वो वापस गुस्सा हो गया और रूही को एक जोर का चाटा मारा। तू ऐसे नहीं सुधरने वाली, लेकिन मुझे भी तो जैसी ढीठ औरतों को समझाना आता है, रुक तू। उस बदमाश ने एक झटके में खींच कर रूही का पल्लू उसके बदन से हटा दिया। तभी सामने खड़े लड़के ने कहा, भाई मेरी बात मान, ये सब मत कर, जो कर दिया है बहुत है, वैसे भी सिर्फ धमकाना ही तो था। लेकिन बदमाश अब कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने उस लड़के को धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। लड़के ने भी दोबारा कोशिश नहीं की, आखिर उसे उससे पिटना थोड़ी था। बदमाश अब रूही की तरफ झुकने लगा। रूही झटपटा रही थी, लेकिन घुटने की चोट इतनी ज्यादा थी कि वो उठकर भाग तक नहीं सकती थी। वो बदमाश अब रूही को चूमने की कोशिश करने लगा। वो धीरे धीरे रूही के होंठ की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे की शैतानी मुस्कान और खिलती जा रही थी। वो रूही के दोनों हाथों को कस के पकड़े घूर कर उसे देखते हुए उसके होंठ को चूमने लगा ही था कि अचानक सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखी। दोनों के दोनों बिल्कुल सकपका गए। लड़के ने कहा, अरे भाई छोड़ उसे और भाग यहाँ से जल्दी, किसी ने पकड़ लिया तो बुरे फंसेंगे। लड़के की बात सही भी थी, इसीलिए बदमाश ने रूही को छोड़ा और फटाफट गाड़ी में बैठकर दो पल में वहाँ से रवाना हो लिया। रूही अब भी जमीन पर वैसे ही बेसहारा लाचार होकर लेटी हुई थी। गाड़ी तुरंत आकर रूही के ही पास रुके और उसमें से निकला जय। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर जय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रूही? वो भागकर रूही के पास आया और बिना कोई सवाल किए उसे वहां से अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया। वो उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल के इमरजेंसी में पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचते ही जय ने चिराग और जानवी दोनों को कॉल कर दिया। कॉल मिलते ही दोनों आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुंचे। जानवी तो आते ही पहले रूही की तरफ भागी, लेकिन चिराग ने आते ही पहले जय का ही गिरेबान पकड़ लिया। कैसे हुआ ये सब मेरी रूही के साथ? कहाँ थे तुम उसके साथ, बताओ मुझे? लेकिन शुक्र है इस बात का कि जय ने चिराग की तरह अपना आपा नहीं खोया। वो पहले से ये बात जानता था कि चिराग उसे कुछ खास पसंद नहीं करता, और अब उसके ही मुँह से रूही की ऐसी हालत के बारे में जानकर वो और बौखला गया था। जय ने पहले चिराग की पकड़ से अपना गिरेबान छुड़ाया, फिर शांत होकर बोला, रूही मेरे साथ नहीं थी और ना ही मैं उसे लेकर कहीं गया था। रूही मुझे रास्ते पर गिरी हुई इस हालत में मिली, जिस हालत में मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ, समझे? चिराग थोड़ा शांत हुआ। जय ने आगे कहा, दो आदमी जिनको मैंने दूर से रूही के पास देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको पकड़ पाता वो लोग वहाँ से भाग चुके थे।
अब उनके पीछे जाने से बेहतर था कि मैं रूही को हॉस्पिटल ले आता, जो कि मैंने किया। अब अगर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है तो तुम थोड़ी तमीज दिखा सकते हो और मुझसे दूर जाकर बात कर सकते हो। चिराग अपनी हरकत पर शर्मिंदा था, ये साफ दिख रहा था। उसने हालांकि जय को कुछ बोला तो नहीं, पर उसकी आंखों में अपनी हरकत के लिए माफी दिख रही थी। उसने जय की तरफ देखा और वहां से फिर सीधा रूही से मिलने चला गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे रूही से मिलने से साफ मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, अभी आप पेशेंट से नहीं मिल सकते हैं, पहले मुझे इनका इलाज करने दीजिए फिर आइएगा। हाँ, पर उसे हुआ क्या है ये तो बताइए। दोनों पैरों के घुटने पर गहरी चोट है, एक घुटने की हड्डी तो शायद डिसलोकेट भी हो गई है, लेकिन अब ये कंफर्म बताना मुश्किल है। एक बार एक्सरे आ जाए तभी मैं कुछ बता सकती हूँ। चिराग का कलेजा डर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा, बाकी तो और कुछ नहीं है ना, मतलब वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है, कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है, घबराइए मत। ये बात सुनकर चिराग को थोड़ी शांति सी मिली। हालांकि उसकी छटपटाहट तो कम नहीं हुई, लेकिन फिर भी इंतजार के अलावा और वो अब कर भी क्या सकता था। वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे लग रहा था रूही कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, कुछ तो है जिसे तुम करने की कोशिश में थी। तुम जिस तरह मुझे सुबह ऑफिस भेजने की जल्दी में थी, मुझे लग रहा था कि कोई बात तो है, लेकिन तुमने मुझे वो बात नहीं बताई और अब देखो क्या हो गया। क्यों रूही, क्यों क्यों गई तुम बाहर, क्यों किया तुमने अपने मन का, एक बार मुझे बताकर तो देखती एटलीस्ट जो तुम्हारे मन में चल रहा था। चिराग का चेहरा रूही की तकलीफ में लगातार डूबता ही जा रहा था। क्या रूही अब तारा की सच्चाई सामने लाने में कामयाब हो पाएगी? क्या चिराग रूही के इस दर्द का बदला उन बदमाशों से चुका पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट FM पर। रूही जैसे ही गाड़ी से उतरी तो दोनों आदमियों ने उसे घेर लिया। रूही घबरा गई, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत कर उसने चिराग को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मत से एक ने देख लिया और चिराग तक उसकी कॉल नहीं जा पाई। उस बदमाश ने रूही के दोनों घुटने पर अपने लात से खूब मारा। रूही वहीं जमीन पर ढेर हुई पड़ी थी, लेकिन इतने पर भी उसे चैन नहीं आया तो उसने रूही पर अपना गंदा हाथ मारा, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन वो तो खुशकिस्मती से वहाँ जय आ गया और रूही बच गई। वो रूही को हॉस्पिटल ले गया, जहाँ चिराग ने जय पर ही उसका गुस्सा निकाल दिया। जय ने जब सच्चाई बताई तब जाकर वो शांत हुआ। चिराग ने जय से कहा, सॉरी मैंने बिना जाने बूझे तुम पर हाथ उठाया। कोई नहीं, मैं समझ गया था तुम रूही को लेकर परेशान हो, इसलिए तुम्हें खुद पर काबू नहीं रहा। चिराग ने कहा, तुमने रूही को देखा कहाँ? महामाया पुल पर, मैं तो वो रास्ता लेने वाला भी नहीं था, लेकिन वो तो मेन रास्ते पर इतना ट्रैफिक लगा था कि मुझे वो रास्ता लेना पड़ा, तब जाकर मेरी रूही पर नजर भी पड़ी, वरना तो पता ही नहीं क्या हो जाता। चिराग का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो ये सब सुनकर रूही के लिए कितना दुखी था। उसने आगे कहा, और तुम जो दो बदमाशों के बारे में बोल रहे थे उन्हें देखा तुमने? एक्चुअली मैं तो रूही को ही देखकर इतना घबरा गया कि बदमाशों पर मेरी ठीक से नजर ही नहीं पड़ी, और वैसे भी वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़े थे और मेरी गाड़ी देखते ही वहां से भाग गए, इसलिए मुझे उनका चेहरा ठीक से याद भी नहीं है। जय ने आगे कहा, उनमें से एक तो रूही का। जय बोलते बोलते रुक गया। चिराग ने हड़बड़ा कर पूछा, क्या रूही का? मुझे लगता है अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो वो रूही का रेप करने वाला था। ये बात सुनकर तो चिराग का सर जैसे ज्वालामुखी जैसा हो गया। उसकी कस के बंधी हुई मुट्ठी ये सिर्फ जाहिर कर रही थी कि चिराग किस कदर गुस्से से लाल था। वो एकदम बौखलाया हुआ दिख रहा था। एक बार, बस एक बार वो किसी तरह मेरे हाथ लग जाए, उन्हें जिंदा गाड़ दूंगा मैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूही को छूने की भी, अब कैसे पता लगाऊं मैं उनका। जय भी इस बात को लेकर सोच में पड़ गया। कुछ देर वो चुप रहा, लेकिन फिर अचानक से बोला, एक सेकेंड, मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या? जल्दी बोलो। वो रास्ता जहाँ से आगे के दो हिस्सों में बंटता है, शायद वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। देखो, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता, मगर शायद है। जय की बात सुनकर चिराग के मन में एक उम्मीद जग गई कि शायद वो उन बदमाशों तक पहुँच सकता है। जय ने आगे कहा, क्यों ना हम वहाँ से फुटेज निकलवा कर देख लें कि वो लोग कौन थे।
चिराग जय की बात से सहमत था। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। चलो अभी चलो, जय ने उसे रोकते हुए कहा। मेरी बात सुनो, रूही को यहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम यहीं उसके पास रहो, मैं ये काम कर लेता हूँ। अब क्योंकि वो सही समय पर रूही को हॉस्पिटल ले आया था, तो इस बात से चिराग का जय पर भरोसा बन गया था, इसीलिए वो मान गया। और बात सही भी थी, आखिर रूही को ऐसे हॉस्पिटल में छोड़कर वो कहाँ जाता। चिराग ने कहा, ठीक है जय, तुम देख लो जाकर, आई ट्रस्ट यू। हालांकि दोनों कजिन्स ही थे, लेकिन दोनों में कभी इतनी बनी नहीं, इसीलिए चिराग के मुंह से ट्रस्ट की बात सुनना जय के लिए थोड़ा स्ट्रेंज था। लेकिन जय को ये बात अच्छी लगी। वो बोला, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं बताऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकल कर वो सीधा नगर निगम के ऑफिस गया, जो उस एरिया के सबसे नजदीक था। वहाँ गया तो कोई आंख बंद करके लेटा था, तो कोई टेबल पर पैर चढ़ाकर बैठा था, पान चबाकर मोबाइल में फालतू के वीडियोस देख रहा था, तो कोई कान खुजा रहा था। और जो महिला कर्मचारी थी वो भी मर्दों से एक पैसे बराबर भी कम नहीं थी। कोई पैरों में नेल पेंट लगा रही थी, तो कोई मटर के दाने छुरा कर रखने में लगी। बड़ा ही आरामदायक माहौल था। लेकिन जय ने जाकर हड़बड़ी में नेल पेंट वाली औरत से पूछा, देखिए एक जरूरी बात हो गई है, इसीलिए आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। औरत ने नेल पेंट लगाते हुए कहा, बोलो। देखिए वो जो महामाया पुल वाले रास्ते में जो सीसीटीवी लगा है ना, उसका आज का फुटेज चाहिए, महिला कर्मचारी ने कहा। नेट पर देखने लायक कुछ बचा नहीं क्या, जो अब सीसीटीवी फुटेज देखना है, जय ने थोड़ा तन कर कहा। देखिए अभी एक दो घंटे पहले वहाँ कोई दुर्घटना हुई है, इसलिए आप प्लीज इस बात को सीरियसली लेंगी तो अच्छा होगा। महिला ने नेल पेंट लगाना बंद किया और बोली, वो फुटेज मेरे पास नहीं है, वो सामने वाली टेबल पर मिलेगी। जय भाग कर बताए गए टेबल के पास गया। ये उसी महिला कर्मचारी का टेबल था जो मटर के दाने छील रही थी। जय ने कहा, मुझे महामाया पुल वाले रास्ते का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जाहिर है सब वहाँ ऐसी सुस्ती के शिकार थे कि एक बार में बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कर्मचारी भी हूँ करके अपने मटर छीलती रही। जय ने गुस्से में बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे और आप ये बैठ के मटर छील रही हैं। अगर टाइम पर खाना नहीं मिला तो मेरे पति जो पूछेगा उसका क्या जवाब दूंगी। उस महिला कर्मचारी ने तड़ाक से जवाब दिया। जय दोनों के रवैये से इतना पिस्ड ऑफ हो गया था जिसकी हद नहीं थी। उसने गुस्से में फोन निकालते हुए कहा, मैंने सोचा था छोटा सा काम है, आपके ऑफिस आकर हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबकी कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी पुलिस में, तब जाकर आप सीधे मुंह बात करेंगे। जय की धमकी सुनकर सब थोड़े सकपका गए। सबने अपना बेफालतू का काम बंद कर दिया। तभी किसी और कुर्सी पर बैठे एक अधेड़ उम्र के मोटे से आदमी ने कहा, देखिए फुटेज मिल तो जाएंगी लेकिन उसमें वक्त लगेगा। कितना वक्त? 2 से 3 घंटे, इतना समय एक फुटेज के लिए। इतना समय एक फुटेज के लिए? हाँ तो भैया, फोन से गाना तो डाउनलोड तो करना नहीं है कि एक टच किया और चीज अपने सामने आ जाएगी। सरकारी काम है, कुछ समय लगेगा, हर चीज का प्रोसेस होता है भैया, ऐसे थोड़ी। कर्मचारी ने आगे कहा, आप एक काम कीजिए, अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी मेरे पास लिखवा दीजिए, जैसे ही वीडियो मिलता है हम आपको वो भेज देंगे, आपको यहाँ बैठकर इंतजार करने की जरूरत भी नहीं होगी। जय ने भी अपनी सारी डिटेल्स दी और वहाँ से लौट आया। इधर हॉस्पिटल में रूही का इलाज हो गया। डॉक्टर ने चिराग से मिलने की इजाजत भी दे दी थी। चिराग बेसब्रों की तरह रूही के पास जाकर बैठ गया। रूही को देखा तो तकलीफ से उसका चेहरा भीग गया। रूही के दोनों घुटनों पर मोटी मोटी पट्टियां बंधी थी जो ऊपर से हल्के खुनसाई हुई भी दिख रही थी। चिराग का तो मन भी भारी हो चुका था। उसने रोंदे हुए गले से कहा, ये क्या हाल बना लिया तुमने रूही, क्यों निकली तुम घर से बाहर, क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर जाने की? निलोफर को बोलती, इतने सारे हेल्पर्स हैं इनको बोलती, और उन सबके बस की नहीं थी तो मुझे कहती, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि तुम्हें खुद जाना पड़ा, और तुम आखिर गई कहाँ थी? रूही ने चिराग से नजरें चुरा ली। चिराग ने वापस पूछा, रूही सच सच बताओ, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? रूही प्लीज, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ प्लीज, क्योंकि अगर तुम रास्ते पर निकल ही चुकी हो तो ये जो तुम्हारे साथ हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। रूही ने बिना चिराग को देखे ही कहा, कहा तो था तुमसे लेकिन तुमने मुझे डांट कर चुप करा दिया। मुझसे कहा था? क्या कहा था? कहा था कि चिराग मैं तारा को लेकर डाउटफुल हूँ,
मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। चिराग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, फिर उसने कहा, पता था मुझे, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ऐसी ही कोई बात हो सकती है, और देखो आखिरकार वही बात निकली ना। वो अब थोड़ा गुस्सा होकर बोला, कितना समझाया था तुम्हें कि तुम इन चक्रों में मत पड़ो। जय इतना समझदार है कि अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है लोगों की जिंदगी सुधारने का, तो सुधारो। एक काम करो, मुझे और सिम्बा को त्याग दो और एक समाज सेवा ट्रस्ट खोल दो, और अपनी खुद की जिंदगी अंधेरी करके लोगों की जिंदगियों में उजाले भरो। जाओ उठो, अभी उठो। रूही ने बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा ठीक है, अब फिर से क्यों डांट रहे हो? एक तो मुझे वैसे ही इतना दर्द हो रहा है और तुम भी शुरू हो गए। जाओ, मैं बात ही नहीं करूंगी तुमसे अब। अब जब रूही रूठ ही गई तो चिराग को तो मनाना ही था। उसने बड़ी नरमी से रूही का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, चिराग ने बड़ी तेज आवाज में पुकारा, डॉक्टर डॉक्टर। रूही ने कस के उसका हाथ पकड़ के उसे चुप कराया और बोली, अरे डॉक्टर को क्यों बुला रहे हो? वो अभी अभी तो चेक करके गई है चिराग, अब थोड़ा दर्द तो होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। मैं ठीक हूँ चिराग, और जो है वो सब ठीक हो जाएगा। चिराग ने आगे पूछा, रूही तुमने तो उन लोगों को देखा था ना, तुम पुलिस को उनके बारे में क्यों नहीं बता देती? वैसे उन लुटेरों ने? लुटेरे नहीं चिराग, वो लोग लुटेरे नहीं थे, रूही चिराग की बातें काटते हुए बोली। चिराग उसकी बात सुनकर सोचने लगा, लुटेरे नहीं थे मतलब फिर कौन था? मुझसे सामान लूटना तो सिर्फ एक दिखावा था चिराग, कि ताकि हम उन्हें लुटेरे समझकर जाने दें और दूसरी तरफ हमारा ध्यान ना जाए। तो तुम कहना चाहती हूँ कि वो लोग खास कर तुम्हारे लिए ही आए थे? अगर ये सच भी है तो तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि चिराग, जब वो बदमाश मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने दूसरे को बोलते हुए सुना कि अब रहने देते हैं, वैसे भी बस धमकाने के लिए ही तो कहा था हमें। ये बात दूसरा लड़का जो पीछे खड़ा था उसने अपने साथ वाले से कहा। तुम खुद बताओ इसका क्या मतलब है? मतलब किसी ने तुम्हें डराने के लिए ये सब किया, तुम्हें रोकने के लिए किया है ताकि तुम उसके रास्ते में ना आओ, रूही ने आगे कहा। हाँ, और तुम्हें पता है मैं ठीक उस वक्त वेदिका के ही क्लिनिक से निकली थी, तभी ये सब कुछ हुआ मेरे साथ। रूही ने चिराग को क्लिनिक वाली सारी बात बता दी, कैसे उसके सारे फाइल्स ढूंढने के बाद भी तारा की फाइल उसे नहीं मिली। ये सब सुनकर चिराग बिल्कुल हैरान था। जय भी अब घर पहुंच चुका था। तारा ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? रूही हॉस्पिटल में है, बदमाशों ने उसे आज उसे रास्ते में घेर लिया और उस पर हमला भी किया। तारा समझ गई कि उसे भी रूही के बारे में पता चल गया। उसने जय से पूछा, तुम्हें किसने कहा? किसी ने कहा नहीं, बल्कि मैं खुद उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। जय की इस बात से तारा बिल्कुल उबल उठी। पूरी दुनिया में रूही को बचाने के लिए कोई नहीं था जो ये वहाँ पहुँच गया। तारा ने जानबूझकर पूछा, तो कुछ पता चला उन बदमाशों के बारे में? अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। निगम वालों से मैंने फुटेज मांगी है, शाम तक कहा है भेज देंगे। फुटेज वाली बात सुनकर तो तारा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो मन में बोली, अगर उस फुटेज की मदद से वो दोनों पकड़े गए तो पुलिस मार मार कर। क्या तारा इस बार खुद को बचा पाएगी? क्या रूही के बदले अब चिराग उठाएगा तारा का पर्दाफाश करने का बीड़ा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जय ने चिराग को सारी बात बता दी। चिराग तो उसी वक्त पता लगाने निकलने वाला था, लेकिन जय ने उसे रूही के ही साथ रहने को कहा और खुद पता लगाने चला गया। फाइनली नगर निगम वालों ने उसे कहा कि सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चल सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये जानकर जय अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद उसने तारा को भी सारी बात बता दी, लेकिन ये सब सुनकर तारा के होश उड़ गए। उसे इस बात का डर सताने लगा कि अगर फुटेज मिल गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। सारा किस्सा बताने के बाद जय ने कहा, तारा मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, इन सब चक्करों में काफी थक गया हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया। तारा इधर लगातार सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि उसके खेल से पर्दा ना उठ पाए। पहले तो उसने तुरंत उस बदमाश को कॉल किया। हेलो मैडम, काम हो गया है? तारा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। काम हो नहीं गया,
काम तमाम हो गया है। बेवकूफो, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी उसे सबक सिखाने के लिए? बदमाश ने पूछा। अरे लेकिन आप टेंशन में क्यों हैं मैडम, क्या हो गया? क्या हो गया? सीसीटीवी में तुम्हारी फुटेज रिकॉर्ड हो गई है स्टूपिड। अब उस फुटेज से पुलिस तुम्हें पकड़ने में लग जाएगी। तुम लोग अभी थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है मैडम, हम गायब हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, तारा ने गुस्से में कहा और फोन काट दिया। तारा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रही थी कि इतने में जय के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। तारा की नजर सीधे उसके फोन पर पड़ी तो देखा कोई अननोन नंबर से मैसेज आया है। उसने मैसेज देखा तो निगम वालों ने वही फुटेज भेज रखा था जिसकी बात जय कर रहा था। वीडियोस देखकर तारा के तो होश उड़ गए थे। घबराहट के मारे तो उसका मुंह खुल गया था। उस वीडियो में दोनों बदमाशों का चेहरा साफ साफ दिख रहा था जो कि तारा के प्लान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर ये मैसेज गलती से भी जय ने देख लिया तो वो चिराग और पुलिस दोनों को दिखा देगा और मैं मना भी नहीं कर पाऊंगी। ये सोचते हुए तारा ने वो चैट ही डिलीट कर दी, मगर डिलीट करने से पहले वो नंबर याद कर लिया। उसने ड्रॉअर से दूसरा सिम निकाला और उसी नंबर पे कॉल कर दिया। ये नंबर वही निगम में बैठे मोटे अधेड़ उम्र वाले आदमी का था। उसने कॉल उठाते ही कहा, हेलो कौन? मौका, तारा ने कहा। मोटे आदमी ने चौंक कर कहा, मौका? हाँ पैसे कमाने का। अब पैसे का नाम सुनते ही मोटे आदमी के कान खड़े हो गए। होते भी क्यों नहीं, आखिर पैसे की माया ही आजकल इतनी बड़ी है। मोटे आदमी ने कहा, पैसे कमाने का मौका? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, कौन दे रहा है मुझे पैसे और आप कौन बोल रही हैं? मैं कौन बोल रही हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर, मैं क्या बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। जी 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 बोलिए ना। मैंने सुना है आप किसी को महामाया पुल वाली सीसीटीवी फुटेज देने वाले हैं। देने वाले हो नहीं, दे दिया है, लेकिन आपको कैसे पता, कौन बोल रही हैं आप? ओफो, आप आम खाइए ना सर, गुठलियों में क्या रखा है। अरे हम खा तो लें आम, लेकिन होने भी तो चाहिए, इस खंडर ऑफिस में तो बस खट्टे अंगूर ही मिलते हैं। मोटे आदमी की बात सुनकर लग रहा था कि वो तारा की बातों में इंटरेस्टेड था। तारा ने आगे कहा, चलिए तो बताइए आप वो वीडियो डिलीट करने की क्या कीमत लीजिएगा। कीमत का नाम आते ही मोटे आदमी की चर्बी और चौड़ी हो गई। उसने तुरंत मुंह खोला, देखिए मैडम, एक तो पहले ही बहुत मेहनत से वो फुटेज निकलवाई है, अब आप कह रही हैं कि वो वीडियो डिलीट कर दो, मतलब डबल मेहनत है, तो इन सब का मिला के कम से कम 10,000 तो बनता ही है। तारा ने कहा, मैं आपको 20 दूंगी, लेकिन शर्त बस इतनी है कि सब कुछ बिल्कुल सफाई से होना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैडम भरोसा रखिए, आखिर मेरी भी तो पतलून इसी रस्सी में बंधी है, अगर आपकी खिंचेगी तो मेरी इज्जत भी तो नीलाम होगी कि नहीं, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए सब हो जाएगा। लेकिन अब जो वीडियो भेज दी है उसका क्या करूं? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं संभाल लूंगी, आप बस वहाँ का मैटर संभालिए। समझिए कि काम हो गया। और ये पैसे कब तक? घबराइए मत, पैसे अभी इसी वक्त मिल जाएंगे आपको, बस अपने डिटेल्स भेज दीजिए। इन बातों के बाद दोनों ने फोन रख दिया। तारा के चेहरे पर जो चिंता के बादल छा गए थे वो अब छट चुके थे। उसने अपने रास्ते में आने वाले कांटे को उखाड़कर फेंक दिया था। वो अपनी जीत पर मुस्कुरा ही रही थी कि इतने में जय की आवाज आई, तारा जरा देखना उनकी तरफ से कोई मैसेज आया है क्या। नहीं नहीं जय, कोई मैसेज नहीं आया अब तक, जय ने खिसियाते हुए कहा। इन लोगों ने कभी कोई काम ढंग से ना किया है ना करेंगे। जय को फ्रस्ट्रेटेड देखकर तारा की चमक धीमी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर हॉस्पिटल में बैठा बैठा चिराग जय के जवाब के इंतजार में था। जब काफी टाइम हो गया तो उसने जय को कॉल मिला ही लिया। हेलो जय। हाँ। क्या हुआ उस फुटेज का, उन्होंने भेजा या नहीं भेजा? जय ने कहा, चिराग मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था, एक्चुअली अभी अभी निगम से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि वहाँ सीसीटीवी लगा तो है लेकिन चेक करने पे पता चला कि वो तो महीने से खराब है, इसीलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। चिराग ये बात सुनकर डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन तारा ये सब सुनकर बड़ी खुश थी। फाइनली अब किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा, अच्छा हुआ मैंने टाइम से मैसेज देख के एक्शन ले लिया, वरना तो आज बैंड बज जाती। कौन कहता है कि खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, मुझे आकर कोई पूछो। एक तरफ जहां तारा का अपना खेल जारी था, वहीं सेट पर तमन्ना
और मनन का प्यार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था। लंच आर में तमन्ना और मनन दोनों एक साथ ही लंच कर रहे थे। तमन्ना के दिमाग में अब भी अपने डैड की ही बात घूम रही थी। वो वाकई में मनन से शादी के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेस्परेट ना लगे इसलिए वो सीधे सीधे तो उससे नहीं पूछ पाई। तमन्ना ने पूछा, तुम्हारा शादी को लेकर क्या ख्याल है? मनन ने फटाक से बोला, शादी वादी को लेकर अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा। दरअसल मनन के दिमाग में जानवी का एक्सपीरियंस अब भी कहीं ना कहीं था, जरूर इसीलिए उसने बड़े ही रूखे अंदाज में कहा। तमन्ना का दिल तो खैर इसी एक जवाब में बैठ गया था, लेकिन फिर उसने आगे कहा, क्यों, तुम्हारा मन नहीं करता शादी करने का या फिर सिंगल ही रहने का इरादा है? इरादा तो खैर अभी कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं शादी को लेकर अभी कुछ नहीं सोच रहा। क्यों, तुम सोच रही हो क्या? तमन्ना तो खैर हाँ ही कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने बोला, नहीं मैं तो बस जनरली पूछ रही थी। एक्चुअली डैड आजकल हमेशा कहते रहते हैं उनकी भी उम्र हो रही है ना, इसलिए उन्हें मेरी फिक्र रहती है। हाँ वो तो सही है, एक्चुअली हर पेरेंट ना ऐसे ही होते हैं, सबको बस एक ही रट रहती है कि बच्चों की शादी हो जाए, जैसे और कोई काम धाम है ही नहीं बचा लाइफ में। मेरी मॉम का भी सेम हाल है। तमन्ना ने पूछा, तो उन्होंने तुम्हारे लिए कोई लड़की देखी है क्या? मनन ने थोड़ा रुक कर कहा, उन्होंने नहीं बल्कि मैंने दिखाई थी। सीरियसली, तुम मुझे भी दिखाओ ना। मनन ने उसे अजीब नजरों से देखा, तुम पागल हो क्या, तुम क्या करोगी उसे देखकर? तमन्ना मुस्कुराने लगी। मनन ने आगे कहा, अच्छा वैसे सीरियसली तुम शादी का सोच रही हो क्या? तमन्ना ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड, मुझे लगा अब तुम भी कहीं बाकी लड़कियों की तरह मुझसे शादी की जिद ना करने लग जाओ। और अगर करने लग जाऊं तो? मनन ने सोचते हुए कहा, तो मैं मना कर दूंगा। तमन्ना मनन की बात सुनकर चौंक गई। मनन ने अपनी कुर्सी तमन्ना के पास खिसकाई और बिल्कुल करीब जाकर बैठ गया। तमन्ना उसे ध्यान से देखने लगी। मनन ने कहा, देखो तमन्ना, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता, इट्स जस्ट दैट कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तुम खुद ही सोचो ना कि अभी अभी तो हम थोड़ा अच्छा काम करने लगे हैं, हो सकता है इस शूट से हमें और दूसरे अच्छे शूट मिल जाए, तो साथ में रहकर पहले उसे इंजॉय करते हैं ना। हम एनीवेज तो साथ है ही ना, शादी तो बस एक टैग है जो दुनिया वालों के लिए है। तमन्ना भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत तो थी ही। तमन्ना और मनन जहाँ एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वहीं निधि अपने मेकअप रूम में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी कि वो अगला क्या करे कि जिससे तमन्ना की बेइज्जती हो। उसका तो जैसे अब मात्र एक ही काम रह गया था और वो था तमन्ना को नीचा दिखाना, उसे इस सेट से बाहर भेजना। और आखिरकार उसके दिमाग में एक प्लान आ ही गया। लंच खत्म होने के बाद तमन्ना ने अपना दूसरा आउटफिट चेंज किया और अपने कॉल टाइम के लिए वेट करने लगे। कुछ ही देर में असिस्टेंट ने इसे बुला लिया, तमन्ना आ जाओ, शॉट रेडी है। तमन्ना चली गई और हर रोज की तरह डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनने लगे। डायरेक्टर ने कहा, तो स्टार्ट करे? तमन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। डायरेक्टर ने कहा, एक्शन। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही तमन्ना अपनी पीठ खुजाने लगी। ये देखकर डायरेक्टर भड़क गया, तमन्ना मेरे इतने इंस्ट्रक्शंस के बाद तुम ये समझी हो? तमन्ना घबरा गई, सॉरी सर, बस एक बार और। डायरेक्टर ने चिढ़कर कहा, एक्शन। इस बार तमन्ना ने पोज देना शुरू तो कर दिया, लेकिन बार बार उसके हाथ कभी उसके कंधे पे जाते तो कभी कमर पर, कभी वो नाखूनों से अपने हाथ खुजाती तो कभी अपने पैर। हालांकि तमन्ना बड़े ही सटल तरीके से ये सब कर रही थी, लेकिन डायरेक्टर का ध्यान आखिरकार उस पर चला ही गया। उसने चिल्ला कर कहा, कट। तमन्ना की हालत तो देखने लायक थी। डायरेक्टर ने झड़प कर कहा, क्लोदिंग ब्रांड का शूट है ये, बंदरों की बायोग्राफी नहीं चल रही जो बार बार मुझे इधर उधर खुजा खुजा कर दिखा रही हो। अगर इतना ही शौक है बंदर बनने का तो डिस्कवरी पर जाना था ना, इडियट। अब बेचारी तमन्ना बोलती भी तो क्या बोलती, उसके पूरे बदन में अचानक से जैसे खुजली सी मचने लगी थी। वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन खुजली इतनी तेज थी कि बिना नाखून लगाए शांत हुआ ही नहीं जा रहा था। तमन्ना के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो आ गई थी कि ये आजकल मेरे साथ अचानक से क्या होने लगा है, हमेशा कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे कुछ गलत हो जाता है और मुझे डांट पड़ जाती है, जबकि मुझे अच्छे से पता है मैंने ना इस बार कोई गलती की है और ना ही पिछली बार कोई गलती की थी। फिर क्यों अब तमन्ना को डांट लगी
तो निधि की मुस्कुराहट तो खिलनी ही थी। वो तमन्ना को ऐसे बेचैन देखकर बोली, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तमन्ना कि तुम्हारा पत्ता कब यहाँ से साफ हो जाएगा। इतने दिन तक मैं चुप रही तो तुम हीरोइन बनकर घूम रही थी, लेकिन अब इस हीरोइन का घर बैठने का टाइम आ गया है। इधर हर मिनट के साथ तमन्ना की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जिससे उसके पूरे बदन में कोई 100-100 सुइयां चुभा रहा था। वो कितना भी कोशिश कर ले अपने हाथ इधर उधर जाने से रोक ही नहीं पा रही थी। जब भी देखो तो वो बीच बीच में खुजाती ही नजर आ रही थी। डायरेक्टर अब बुरी तरीके से चिढ़ चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, कट, तमन्ना निकलो यहाँ से अभी, और निधि ये सेक्शन तुम करोगी। निधि खुश हो गई। डायरेक्टर ने आगे कहा, एक काम करो, फटाफट 2 मिनट में तमन्ना की आउटफिट चेंज करके आओ, जल्दी। ये बात सुनकर निधि की तो जैसे सांप सूंघ गया। क्या निधि की चाल उस पर ही पड़ेगी भारी? क्या चिराग उन बदमाशों का पता लगा पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जय ने जैसे ही तारा को सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताया, तारा बौखला गई। उसने पहले तो जय के फोन से वो फुटेज डिलीट की जो निगम वालों ने जय को ऑलरेडी भेज दी थी। फिर निगम के ही आदमी को पैसे खिलाकर वहाँ से भी फुटेज डिलीट करवा दी। इधर सेट पर निधि ने फिर तमन्ना के साथ फिर एक खेल खेला, जहाँ उसने तमन्ना की आउटफिट में खुजली वाला स्प्रे डाल दिया ताकि उसे परेशानी हो और डायरेक्टर की डांट लगे। बदकिस्मती से ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर निधि की ही चाल निधि पर उल्टी पड़ गई। डायरेक्टर ने तमन्ना के बदले निधि को वही कपड़े पहनकर आने को कहा। कहते हैं ना, किसी और के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद किसी गड्ढे में गिर जाते हैं। निधि के साथ भी यही हुआ था। निधि का प्लान तो तमन्ना को बेइज्जत करना था, लेकिन यहाँ उसका पासा उल्टा पड़ गया। ओ गॉड नो प्लीज, सर को भी सिर्फ मैं ही मिली थी, वो भी आज, जब मेरी प्लानिंग मुझ पर ही बैकफायर कर सकती थी। अब क्या करूँ, कैसे कहूँ कि मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती? अगर इसे पहन लिया तो तमन्ना के साथ मेरी भी बेइज्जती तय है। अब डायरेक्टर को वो मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप वहाँ से अपने मेकअप रूम में आ गई। कुछ मिनट में एक असिस्टेंट लड़की तमन्ना से वो ड्रेस लेकर निधि के पास आ गई और उसे पहनाने में उसकी मदद करने लगी। तमन्ना और निधि की फिटिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी, इसलिए निधि के पास कोई और बहाना भी नहीं था। निधि ने ड्रेस पहन ली। अब बात थी पीछे बैक चेन लगाने की। निधि ने असिस्टेंट को कहा, सुनो मेरी चेन लगाने में थोड़ी हेल्प कर दो ना। असिस्टेंट ने चेन पकड़ के जैसे ही ऊपर खींचा, निधि ने आगे से अपना पेट एकदम से फुला लिया और कपड़ा कस जाने की वजह से चेन टूटकर सीधा असिस्टेंट के हाथ में आ गई। ओ शिट, असिस्टेंट ने कहा। निधि समझ गई थी, लेकिन फिर जानबूझकर बोली, क्या हुआ? अरे इसकी तो चेन ही निकल गई। ये सुनते ही निधि ने फटाक से वो ड्रेस उसी वक्त निकाल दी और बोली, ओ अब तो नहीं पहन सकती ना ये ड्रेस, और चेन लगाने में टाइम लग जाएगा। अब उतनी देर तक सर मेरा इंतजार थोड़ी ना करेंगे। तुम एक काम करो, जाकर सर को ये बात बता दो और मुझे कोई और ड्रेस लाके दे दो, ठीक है? अब असिस्टेंट भी क्या ही बोल सकती थी। उसने चुपचाप सर हिलाया और वहाँ से ड्रेस लेकर निकल गए। उसके जाते ही निधि ने अच्छे से अपनी बॉडी पर लोशन लगाया ताकि उस स्प्रे का असर उस पर ना हो। गॉड, आज तो बाल बाल बच गई, वरना तो अब तमन्ना की जगह सब मुझ पर हंस रहे होते। इधर मेकअप रूम में तमन्ना और मनन एक साथ ही बैठे थे। तमन्ना जाहिर सी बात है कि दुखी थी। उसका अच्छा खासा बनाया हुआ इम्प्रेशन अब बर्बाद सा होने लगा था। मनन ने तमन्ना को उदास देखकर कहा, तमन्ना ठीक है, अब इतनी सी बात के लिए इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज, इट्स जस्ट अ बैड डे, ऐसा हो सकता है कभी कभी। मनन, ये बैड डे आज ही नहीं, कई दिनों से चलता आ रहा है। मैं कब से देख रही हूँ मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो सब कुछ ठीक हो रहा था, फिर अचानक से इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है? मनन ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है। मनन, कुछ तो है, कोई तो है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि मैं यहाँ सबके सामने बुरी बन जाऊँ। हाँ, लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? अभी तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है जिसका मैं पता लगा कर रहूंगी। इधर रूही की हालत भी अब स्टेबल थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे भी डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन साथ ही चिराग को ये साफ साफ कह दिया था
कि मैं इन्हें डिस्चार्ज तो कर रही हूँ, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि अभी कम से कम 3 से 4 दिन इनके पैरों पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ नेसेसरी चीजों के लिए ही उठें, वरना ज्यादा से ज्यादा टाइम बेड रेस्ट ही करें। चिराग ने डॉक्टर की बात सुनकर सीधे सीधे शब्दों में रूही को कह दिया, अब तुम कहना मुझसे कि तुम्हें इधर जाना है उधर जाना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अब तुम्हें जो चाहिए मैं खुद तुम्हारे हाथ में लाकर दूंगा, और अगर मैं ना रहूं तो निलोफर करेगी, तुम सिर्फ आराम करोगी, ये बात सुन लो तुम। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, नहीं करूंगी। लेकिन, चिराग ने रूही को घूर कर देखा। अब क्या लेकिन? लेकिन चिराग तारा का क्या? अजीब हाल है रूही, खुद तुम इतनी परेशानी में हूँ और अब भी तुम्हें तारा की पड़ी है। चिराग तारा की नहीं पड़ी, मैं जय के बारे में सोच रही हूँ। अब तुम ही देखो ना, अगर आज जय नहीं होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मैं आज शायद यहाँ तुमसे बात भी नहीं कर रही होती। चिराग ने तुरंत रूही के होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, रूही आइंदा ये बात दोबारा बोलना भी मत। रूही ने आगे कहा, हाँ ठीक है नहीं बोलूंगी, लेकिन चिराग इसी इंसानियत के नाते हमें कुछ तो करना चाहिए ना, आखिर जानते हुए भी हम उसे ऐसे मुसीबत में कैसे पड़ने दे सकते हैं। चिराग रूही की बात से कहीं ना कहीं सहमत तो था ही, आखिर जय की ही वजह से रूही आज सही सलामत उसके सामने बैठी थी, इस बात का एहसान चिराग के सर तो था ही। इधर वेदिका अपने क्लिनिक में बैठी थी, उसने बेल बजाकर असिस्टेंट रिया को बुलाया, मगर गार्ड ने अंदर आकर कहा, मैडम आज तो रिया मैडम नहीं आई हैं, शायद एक हफ्ते तक आएंगी भी नहीं। वेदिका रिया की छुट्टी का सुनकर परेशान होगी, ऐसे कैसे छुट्टी ले सकती है वो अचानक, इन्फॉर्म तक नहीं किया उसने, ना ही कोई मेल डाला है। वेदिका ने तुरंत अपना मेल चेक किया तो रिया का मेल पड़ा था, जिसमें उसने एक हफ्ते की छुट्टी के लिए लीव डाला था। वेदिका ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ये शानू अब तक कहाँ रह गया, उसे तो भेजो। गार्ड ने कहा, मैडम आज तो शानू सर भी नहीं आए हैं। वो क्यों नहीं आया, पागल हो गए हैं क्या सब, यहाँ 1000 काम पड़े हैं और इनको छुट्टी की पड़ी है। वेदिका ने तुरंत शानू को कॉल किया, हाँ मैडम, क्या हुआ, ऑफिस क्यों नहीं आए, तो और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। मैडम एक्चुअली ना मेरी माँ अचानक बीमार पड़ गई और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो बीवी अकेले संभाल नहीं पाएगी सब, इसीलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। मैं तो कल से माँ के साथ हॉस्पिटल में ही हूँ, आपको बताने ही वाला था। हाँ ठीक है, माँ बीमार है तो परिवार में और किसी को हेल्प के लिए बुला लेते, एक तो अभी रिया भी छुट्टी पर है और अब तुम भी नहीं आने वाले, अब बताओ ऐसे कैसे चलेगा, तुम दोनों का काम क्या मैं खुद अकेली संभालूंगी। शानू ने कहा, मैडम अब क्या करूं, इमरजेंसी ही इतनी बड़ी थी कि आना ही पड़ा। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। जल्दी बोलो। मैडम मेरी एक भांजी है, सारा काम जानती है, बल्कि मुझसे भी ज्यादा, पहले भी इसी तरह की क्लिनिक में कहीं इंटर्नशिप भी कर चुकी है। आप कहें तो जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक उसे आपके ऑफिस भेज दूं, आपको पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। वेदिका ने कहा, हाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम खत्म करने के बजाय यहाँ आकर मेरा काम और बढ़ा दे, अगर सही है तभी भेजना। बिल्कुल सही है मैडम, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, मैं आज ही उससे बात करके उसे आपके पास भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, भेजो भेजो। अगले ही 1 घंटे में किसी ने वेदिका का डोर नॉक किया, अंदर आ जाओ। सामने देखा तो एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। वेदिका ने पूछा, हाँ बताओ। मैडम मैं शिल्पा, आपकी बात हुई होगी ना शानू मामू से, उन्हीं ने भेजा है मुझे यहाँ। अच्छा हाँ हाँ, आओ आओ आओ, देखो मेरे पास काम बताने का टाइम नहीं है, इसीलिए पहले ही बता दो, सब संभाल लोगी ना अच्छे से। हाँ हाँ मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले भी ये सब किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब निपटा लूंगी। चलो अच्छा है फिर। ये कहकर वेदिका ने उसे कुछ पेजेस दिए और कहा, पहला काम तो ये करो, इन सबको ऑर्डर्स में लगाकर मुझे बताओ कि आज किन किन लोगों का अपॉइंटमेंट है और कब है। ओके मैडम, बस 10 मिनट में मैं आपको बताती हूँ। चलो तुम ये करके मुझे इन्फॉर्म करो, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है, तब तक मैं पेशेंट्स के राउंड लेकर आती हूँ। ये बोलकर वेदिका वहाँ से निकल गई। शिल्पा बड़ी अजीब नजरों से वेदिका को देख रही थी। इधर शानू अपने घर पर सामने बैठा किसी से बोला, सर काम तो आपका मैं भी कर देता, लेकिन क्या है ना कि कंप्यूटर्स में मेरे हाथ थोड़े तंग हैं। खैर जो भी है, आपका काम तो हो गया ना, अब थोड़ा मेरा भी ख्याल कीजिए। शानू को ये बोलते हुए ही किसी ने नोट की एक मोटी गड्डी उसके हाथ में पकड़ा दी। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद चिराग था। उसने शानू से कहा, ये लो, तुम्हारे 1 हफ्ते की सैलरी से 3 गुना ज्यादा है,
और अगर जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल के बिल्स भी बनवा कर भेज दूंगा। बस अपना मुंह बंद रखना कि ये सब करने के लिए मैंने तुम्हें कहा है, शानू ने हंसते हुए कहा। सर कैसी बात कर रहे हैं, अब फ्री के पैसे मिल रहे हैं तो बातें बताकर कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। आप निश्चिंत रहिए, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। नोटों की गड्डी देखकर शानू की आंखें चमक रही थी। वो बार बार नोटों को छू छू कर देख रहा था। पहली बार एक हफ्ते की छुट्टी के 3 गुने पैसे मिल रहे हैं। बस भगवान ऐसे ही लोग महीने में 1-2 बार मिलते रहे तो जिंदगी आराम से कटती रहेगी। पैसे देने के बाद चिराग ने बाहर आकर शिल्पा को कॉल किया। हेलो, हाँ शिल्पा, वहाँ सब सही है ना? वेदिका को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं सर, शक कैसा, उसने तो मुझे मेरा काम भी समझा दिया है। चिराग ने कहा, उसने तो तुम्हें काम समझा दिया है, लेकिन तुम्हें मेरा काम समझ आया कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आ गया। मैं सिस्टम में मौजूद सारा डेटा अच्छे से चेक करके तारा की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, चिराग ने समझाते हुए कहा। शिल्पा, हो सकता है कि तुम्हें वहाँ तारा के नाम से कोई फाइल ना मिले, क्योंकि वो शायद अपना नाम बदल कर घूम रही है, लेकिन यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है कि वो है कौन। मुझे पूरा यकीन है कि वेदिका और तारा का कोई सीन तो चल रहा है, तुम्हें वहाँ से जरूर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, जो भी हो मुझे अपडेट देती रहना। जी बिल्कुल सर, पक्का। चिराग से बात होते ही शिल्पा ने पहले वेदिका का काम 5 मिनट में निपटाया और तुरंत ही अपने काम में लग गई। उसने पहले तो वहाँ पड़ी सारी क्लाइंट्स की फाइल को खोलना शुरू किया। उसे पता था कि टी वाले लेटर में तारा का कुछ नहीं मिला था, इसीलिए उसने ए से शुरुआत की और फटाफट सारे क्लाइंट्स के फाइल में लगी उन फोटोज को देखने लगी। आयशा, अमर, अनीशा, अल्विया, वो धड़ाधड़ ए नाम के सारे फाइल्स चेक करने लगी, लेकिन पूरे ए लेटर खत्म होने के बाद भी उनमें से किसी फाइल में तारा की फोटो नहीं दिखी। अब बारी थी बी लेटर के फाइल्स को देखने की। शिल्पा ने फटाफट बी लेटर की फाइल्स को चेक करना शुरू किया। बिपाशा, बेबी, बाबुल, बॉस्की, वो फटाफट पन्ने पलट कर फाइल देखे जा रही थी कि इतने में पीछे से आवाज आई, शिल्पा ये क्या कर रही हो तुम? शिल्पा ने मुड़कर देखा तो वहाँ वेदिका खड़ी थी। वेदिका को देखकर वो थोड़ा घबरा गई। वो घूर कर सामने वेदिका को देख रही थी और उसके सामने सारे ढेर सारे फाइलों का भंडार लगा हुआ था। क्या शिल्पा अपनी पहली ही कोशिश में पकड़ी जाएगी? क्या तमन्ना निधि की हरकतों को पहचान पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तमन्ना को अपनी गलती के लिए वापस से डायरेक्टर से डांट पड़ गई थी, लेकिन इस बार उसे ऐसा लगा कि ये इंसिडेंट अपने आप नॉर्मली नहीं हो रही है, बल्कि इसके पीछे कोई है जो ये जानबूझकर कर रहा है। उसने ठान लिया वो उसका पता लगा कर रहेगी। वहीं तारा का पता लगाने के लिए चिराग ने एक प्लान बनाया और वेदिका के क्लिनिक में काम करने वाले असिस्टेंट शानू को पैसे देकर ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए बोला और उसके बदले अपनी तरफ से शिल्पा को उसके ऑफिस भेज दिया ताकि वो वहाँ रहकर सब पता लगा सके। तो तुम क्या कर रही हो शिल्पा? मैं तो बस देख रही थी कि यहाँ काम कैसे होता है। मेरा मतलब है कि अगर मुझे क्लाइंट की प्रोफाइल बनानी पड़ी तो किस फॉर्मेट में बनेगी, बस इसीलिए देख रही थी। तो फॉर्मेट देखने के लिए इतने सारे फाइल्स देखने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो नहीं थी, पर अब क्या है ना मैडम, वो 1-2-4 देखा फिर और मन हुआ कि देख लूं ताकि अच्छे से डिटेल्स नोटिस हो जाए, बस इसीलिए। तारा ने उसे घूर कर देखा और पूछा, मैंने जो काम दिया था वो हो गया? शिल्पा ने तुरंत सारे पेपर्स उसे थमाते हुए उसे कहा, हाँ ये तो कब का हो गया मैम। तारा ने उससे पेपर्स लिए और बोली, फॉर्मेट देख लिया ना तुमने, अब फटाफट ये सारे फाइल्स वापस जगह पर रख दो। शिल्पा ने तुरंत सारे फाइल्स हटाने शुरू कर दिए। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, इतनी सारी फाइल्स है, पूरा ए लेटर चेक कर लिया, बी भी कर लिया, लगता है पूरे 26 के 26 देखने पड़ेंगे तभी जाकर कुछ पता चल पाएगा, पता नहीं इस तारा का असली नाम क्या है। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में तारा वहाँ पहुँच गई। तारा को देखकर शिल्पा बिल्कुल अलर्ट हो गई। वेदिका ने तारा को देखकर कहा, अरे तुम आज? हाँ
हमारा लास्ट सेशन बचा रह गया था ना, तो मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। अगर तुम फ्री रही तो सेशन खत्म कर लेंगे, इसीलिए आ गई। तो बताओ आज पॉसिबल हो पाएगा? वेदिका ने कहा। हाँ हाँ, थैंकफुली मैं जस्ट फ्री हो ही गई हूँ। शिल्पा ने मन ही मन सोचा, लास्ट सेशन? किस बात का लास्ट सेशन बचा है इसका? वेदिका अपनी कुर्सी से उठी और तारा को कहा, आ जाओ मेरे साथ। दोनों वहां से उठे और तारा जाकर एक बड़े से मशीन के नीचे बैठ गई, जो ठीक उसके चेहरे के जस्ट ऊपर लगा था। वेदिका ने कुछ चेक वेक किया, फिर कोई क्रीम लगाकर मसाजर से उसकी स्किन का मसाज करने लगी। मसाज करते वक्त वेदिका ने शिल्पा को भी अंदर बुला लिया। शिल्पा क्योंकि इसी ताक में थी तो वो फटाक से भागकर अंदर चली गई। वेदिका ने शिल्पा को कहा, शिल्पा मुझे वो रैक पर रखा क्रीम पास करो। शिल्पा ने तुरंत वो क्रीम उठाया और देखने लगी। ये क्रीम तो गहरे स्कार्स निकालने के लिए होते हैं, खासकर जब किसी का कोई ऑपरेशन होता है। मगर वेदिका ये क्रीम तारा को क्यों लगा रही है? वेदिका ने वो क्रीम शिल्पा को पास कर दी। वेदिका ने वो क्रीम शिल्पा को लगाया और उससे उसका मसाज करने लगी। मसाज करते हुए ही दोनों आपस में बातें करने लगे। तारा ने पूछा, बस तो फिर इस सेशन के बाद तो और जरूरत नहीं पड़ेगी ना? वेदिका ने कहा, नहीं नहीं, इसके बाद तुम्हें क्लिनिक आने की वैसे तो जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई, जो कि नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो आ सकती हो। मैं तुम्हें कुछ क्रीम्स और दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दूंगी, वो अगले एक महीने तक खानी होगी, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली इस झंझट से छुटकारा तो मिलेगा, वरना तो मुझे ये सारी दवाई बहुत ही छुप कर रखनी पड़ती है, जय ने अगर देख लिया तो 100 सवाल करेगा। वेदिका ने तुरंत तारा का हाथ दबाकर इशारा किया। तारा शिल्पा को देखकर एकदम से चुप हो गई। वेदिका ने कहा, शिल्पा बाहर जाओ और बाकी का काम देखो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। शिल्पा भी मना तो कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो वहां से निकल गई। शिल्पा बाहर जाकर फटाफट उन दवाइयों के नाम सर्च करने लगी जो वेदिका ने तारा को लगाए थे। सर्च करने पर शिल्पा के होश उड़ गए। ये दवाइयाँ तो तब ली जाती हैं जब कोई अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराता है। मतलब तारा ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। शिल्पा का तो दिमाग ही ठंडा हो गया था ये जानकर। अच्छा, तो मतलब वो सिर्फ अपना नाम ही बदल कर नहीं घूम रही थी, बल्कि अपना चेहरा भी बदल कर घूम रही है। ये बात तो मुझे जल्द से जल्द चिराग सर को बतानी होगी। शिल्पा फटाफट वहाँ से बाहर निकलकर किसी अलग कोने में गई और तुरंत चिराग को कॉल मिला दिया। चिराग ने पूछा, हाँ शिल्पा बोलो, क्या बात है? सर आपको एक ऐसी बात बतानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जल्दी बोलो शिल्पा। सर अभी तारा यहाँ वेदिका के ही क्लिनिक में बैठी है और अपने चेहरे पर मसाज करवा रही है। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? सर वो जिन क्रीम से मसाज करवा रही है और जो दवाइयाँ वेदिका ने उसे लिखी हैं, वो उन लोगों को दी जाती हैं जो कभी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। शिल्पा की बात सुनकर चिराग का दिमाग तो बिल्कुल ही हवा हो चुका था। प्लास्टिक सर्जरी? आखिर ये लड़की है कौन और अपने किस मकसद को पूरा करने आई है यहाँ? उसने शिल्पा को कहा। गुड जॉब शिल्पा, तुम बस ऐसे ही ध्यान रखो और कुछ भी हो वो सारा अपडेट मुझे देती रहा करो। ऑफ कोर्स सर। ये बोलकर शिल्पा ने फोन रख दिया। इधर बातों ही बातों में तारा ने वेदिका को सीसीटीवी फुटेज वाली बात भी बता दी थी। ये सुनकर वेदिका ने कहा, तारा मेरी मानो तो तुम अगर जय से शादी करना चाहती हो तो जल्द से जल्द इसका कोई उपाय निकालो, जय पर प्रेशर डालो ताकि वो ये शादी जल्द से जल्द करने को तैयार हो जाए। वरना सच कह रही हूँ, तारा सगाइयों को टूटते वक्त नहीं लगता। वैसे अब मैं तुम्हारे बारे में इतना सब जान ही चुकी हूँ, तो एक बात बताओ, तुम्हें जय के साथ ही शादी करने की इतनी जिद क्यों है? तुम्हें तो और भी कई अच्छे लड़के मिल सकते हैं। मिल तो और भी सकते हैं वेदिका, लेकिन शादी तो मुझे जय से ही करनी होगी। दरअसल किसी का चैलेंज पूरा करना है। वेदिका ने चौंक कर पूछा, चैलेंज पूरा करना है लेकिन किसका? तारा ने घूर कर वेदिका को देखा और बोली, अब तुम मेरे इतने भी क्लोज नहीं हो कि सब कुछ तुम्हें बता दिया जाए वेदिका। वेदिका का मुंह बन गया, वो बिना कोई सवाल किए अपने काम में लग गई। इधर शिल्पा भी अपने काम में लग चुकी थी। जब तक वेदिका तारा के साथ बिजी थी, वो सिस्टम में पड़े सारे क्लाइंट्स के डेटा धड़ाधड़ चेक करने लगी। उसने अभी लेटर सी और डी खत्म ही किया था कि तब तक में वेदिका और तारा दोनों वहाँ आ गए। शिल्पा ने तुरंत विंडो क्लोज कर दिया, लेकिन तभी वेदिका ने कहा,
शिल्पा, तुम मेरे सिस्टम पर क्या कर रही हो? शिल्पा हड़बड़ा गई और घबराते हुए कहा, वो दरअसल ये सिस्टम भी खाली था, आप थी नहीं, इसलिए मैं यहीं बैठ गई, सॉरी। वेदिका ने उसको वार्निंग देते हुए कहा, ये पहला दिन है तुम्हारा, इसीलिए आज मैं नजरअंदाज कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से तुम मेरे सिस्टम को हाथ भी नहीं लगाओगी, समझी? जो भी काम है वो अपने सिस्टम पर करोगी, समझी? समझ गई मैम, सॉरी। ये बोलकर वेदिका शिल्पा को देखने लगी। शिल्पा ने कहा, क्या हुआ मैम, अब मैंने क्या कर दिया? शिल्पा तो डर रही थी कि कहीं वेदिका को उस पर कोई शक तो नहीं हो गया, अगर शक हो जाता तो शिल्पा का यहाँ क्लिनिक में आना बेकार हो जाता, उसका काम अधूरा ही रह जाता। लेकिन तभी वेदिका ने गुस्से में कहा, अब मेरी कुर्सी से निकलोगी या पुलिस बुलाऊं मैं? शिल्पा बड़बड़ा कर वहां से निकल गई। शिल्पा से ये सर्जरी वाली बात पता चलते ही चिराग ने रूही को सारी बात बता दी। ये बात जानने के बाद रूही बिल्कुल दंग रह गई थी। देखा चिराग, मैंने तुमसे क्या कहा था? कहा था ना मैंने कि मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगती, अब तुम खुद देख लो। हाँ रूही, अब मुझे लग रहा है कि तुम ठीक ही कह रही थी, मैं ही इस बात को इतना लाइटली ले रहा था। चिराग, ये लड़की जैसे शादी करके उस घर में जाना चाहती है, ताकि उस घर की मालकिन बन सके, ताकि वहाँ रहकर सब कुछ बर्बाद कर सके। मुझे लगता है हमें जय को सब कुछ बता देना चाहिए। रूही, हम ये बात जय को अभी नहीं बता सकते, ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम उसे बताएंगे और वो हमारा भरोसा कर लेगा, और अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है, और ऊपर से वेदिका भी उसके साथ मिली हुई है, वो भी तो सीधा सर्जरी वाली बात से इनकार कर देगी, कह देगी कि तारा वहाँ उसके पास केवल स्किन केयर के लिए ही आती है, और रही दवाइयों की बात, वो तो तारा फेंक भी सकती है, फिर क्या करोगी? रूही ये बात सुनकर टेंशन में आ गई। चिराग ने आगे कहा, रूही तुम्हें क्या लगता है, तारा ने जब इतना बड़ा गेम प्लान किया है तो वो ऐसे ही थोड़ी किया होगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया ही होगा ना, उसे बेवकूफ समझना हमारी गलती होगी। तो फिर कैसे क्या करेंगे चिराग, तुम बताओ ना। मैंने कहा है शिल्पा को कि वो वहाँ रहकर छोटी सी छोटी बात पर ध्यान रखे और इस बात का पता लगाती रहे। आज उसने इस बात का पता लगाया, हो सकता है कल कोई बड़ी बात बता दे। थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा रूही। हाँ, लेकिन पेशेंस रखने के चक्कर में कहीं तारा अपने गेम प्लान में आगे ना निकल जाए चिराग। इधर तारा के दिमाग में वेदिका की बात लगातार घूमती ही जा रही थी। वेदिका बिल्कुल ठीक कह रही थी, यहाँ सालों साल का रिश्ता टूट जाता है, एक छोटी सी गलतफहमी में बरसों बरसों की शादियां टूट जाती हैं, तो ये सगाई क्या चीज है? अगर जय को गलती से भी किसी बात का पता चल गया तो वो किसी भी हालत में मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन हाँ एक बार शादी हो जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने में, आखिर वो पेपर्स भी तो उस सुनैना के ही पास है, मुझे उस घर में जाना ही होगा। यही सब सोचते सोचते तारा अपने घर पहुंच गई। घर पहुंची तो जय आराम से बैठकर टीवी देख रहा था। तारा ने उसे देखकर मन ही मन सोचा, इसे देख लो, यहाँ मेरी जिंदगी का अलग तमाशा बना हुआ है और इसे मूवी सोच रही है, अगर मैं फोर्स ना करूँ ना तो ये आदमी कभी खुद से कुछ बोलेगा ही नहीं। तारा उसके पास गई और प्यार से उसके पास जाकर बैठ गई। जय, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? जय ने चौंक कर कहा, तारा ये कैसा सवाल है, I mean, तुम्हें ये पूछने की भी क्यों जरूरत पड़ रही है, मैं ये सोच रहा हूँ अगर प्यार नहीं करता तो तुमसे सगाई क्यों करता? तारा एकदम मीठी आवाज में बोली, आई नो जय कि हमारी सगाई हो चुकी है, लेकिन आज मैं अपने किसी फ्रेंड के घर गई थी, उसकी माँ ने एक बहुत ही पहुँचे हुए पंडित को घर पर बुलाया हुआ था, उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मुझे तो घबराहट ही होने लगी। अच्छा, ऐसा क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर मेरी शादी अगले 1 हफ्ते में नहीं हुई तो फिर उसके बाद कई सारे अड़चने आती रहेंगी, किसी ना किसी वजह से वो टलती ही रहेगी। और तुम्हें सच में लगता है कि उस पंडित ने जो बोला है वो सच हो जाएगा? जय, मैं जानती हूँ तुम इन सब बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ जय, मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जय, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से, ये बात हर बार मुझे तुम्हें क्यों बतानी पड़ती है? तारा, पिछली बार भी तुमने जिद करके एक ही दिन में सगाई करवा ली थी। लेकिन चलो वो सगाई थी, लेकिन ये शादी है, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? तारा ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा। जय, मैं कह रही हूँ सब हो जाएगा। जय ध्यान से तारा की तरफ देखने लगा।
क्या तारा जय को शादी के लिए मना पाएगी? क्या शिल्पा तारा के खिलाफ सबूत जुटा पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।